शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रीकांत, ये लड़की कौन है? यही तो मैं आपसे पूछने आया, कहीं आपने जीरा जी की दूसरी शादी तो नहीं कर दी? क्या मतलब? मतलब ये कि ये लड़की मेरे जीरा जी के साथ ऐसे लिपट छिपट रही थी जैसे कि असली बीवी हो। क्या कह रहे हो तुम? चाची जी समुंदर में दोनों तोता मैना की तरह फुदक फुदक कर गाना गा रहे थे और मुखड़ा था दुनिया की नजरों से छिप के मिले, लगता है डर कोई देख न ले। श्रीकांत, मेरे बेटे पर लांछन लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतने दिन के बाद आए हो, मैं ये नहीं पूछूंगा तुम कैसे हो, कब आए हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये क्या बदतमीजी है। आप पूछेंगे नहीं और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि फिलहाल मैं बंबई में हूँ, और ये कोई बदतमीजी नहीं है। अपनी तमीज का सबूत देने के लिए मैंने इस बदतमीजी की तस्वीरें खींची है। ये तो अपना मिथ है। जी हाँ, लड़की कौन है? ये धीरज जी की प्राइवेट सेक्रेटरी है, मिस मालती चौधरी। तुम्हें कैसे मालूम? मैं धीरज जी के ऑफिस गया था मगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया? जी हाँ, और बिना धक्के मारे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ये मजा। चलो अच्छा हुआ उसने धक्के नहीं मारे, वरना मैं उसे धक्के मार के घर से निकाल देता। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा बताओ, हमारी बहू रानी कैसी है? अब आपको क्या होता, दीदा जी जी साल में छोड़ के गए थे, बिल्कुल वैसी है। बाल पिखरे रहते हैं, घास सूखे रहते हैं, आंखें फटी फटी, एक तंदूर की टिपिया लिए सारे गांव में घूमती रहती है। और कैसी रहती है वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वो आएंगे ना, मुझे अपनाएंगे ना? मा, मा, मा। ना 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 ना, रो मत रो मत, अरे रो मत शिकार। वो क्या, उसका बाप भी स्वीकार करेगा। अब वो जो गधे का बच्चा है ना, अमित जिसका नाम है, मैं उसे देखूंगा। उसके प्यार मोहब्बत पर कर्फ्यू ऑर्डर नहीं लगा दिया तो मैं श्रीमती चौधरी का पति नहीं हूँ। जाओ अपनी जासूसी चालू रखो, और अगर उल्टी सीधी कुछ नजर आए तो फौरन मुझे टेलीफोन कर देना। हमारी दीदी की और आपकी बहू रानी की सही आठ बोले से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। और राजी रानी तो पूरी कोशिश कर रही है कि नहीं आठ हो जाए। अब मैं चलता हूँ। जय जय। चुड़ैल, कमाल है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? हाँ ऑफिस नहीं आता डार्लिंग, तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? और सुनो, जब तक मैं ऑफिस ना जाऊँ ना, तो तुम्हें भी ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं डालेंगे। अरे ये कैसे हो सकता है मैं ऑफिस नहीं जाऊँ, कमाल है। तो ठीक है, ऑफिस से मुझे कभी कभी फोन कर लेना डालिंग। करोगी ना? करूँगी। अब क्या होगा? शादी। क्या? अमित अगर मालती से प्यार करता है तो जरूर उससे शादी करने की कोशिश करेगा। मैं उसे घर से निकाल दूंगा। बेटे के पर निकलने लगे। अमित के दादी इस वक्त? अमित को छोड़ने कोई लड़की आई है, कुछ दिखाई देता है? कैसे दिखाई देगा, मेरा चश्मा कहाँ है मेरे पास? मुझे भी चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये वही चुड़ैल है। अरे बेटे क्या हो गया? हाँ तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो जल्दी लेट जाओ, चलो लेट जाओ, लेट जाओ। माँ, डॉक्टर को बुला ही लो, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। हाँ बेटे। अमित, वो लड़की कौन थी? वो
वो मेरी सेक्रेटरी थी, वो क्या है कि तबीयत ठीक नहीं ना, तो उसने कहा कि मैं आपको घर छोड़कर आती हूँ। ठीक, तो हमें फोन किया होता, हम चले आते तुम्हें लेने के लिए। नमस्ते साहब, साहब क्या भी? क्यों बिहारी लाल, वो लड़की कौन थी? जी वो बोलो कौन थी वो लड़की? मालती नेम साहब, छोटे साहब की प्राइवेट। प्राइवेट? हाँ। प्राइवेट क्या? वो प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। दोनों गाड़ी में क्या बात कर रहे थे? शर्माओनी बिहारी लाल, बोलो क्या बातें हो रही थी? बाजी, मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन छोटे साहब मालती नेम साहब को दार्जिलिंग दार्जिलिंग कह रहे थे। दार्जिलिंग? हाँ। क्या वो लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं? कुछ समझती नहीं, अमित शायद डार्लिंग कह रहा। बिहारी लाल जी, तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है? माँ जी, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गाड़ी के शीशे में से देखा। गंगा कसम, हमारे साहब मालती मेम साहब की गोद में लेटे रहे, और मालती मेम साहब मीठी मीठी आवाज में खुशफुस खुशफुस कर रही थी, और बीच बीच में साहब को बुखार चढ़त रहा, बुखार चढ़त रहा, बुखार चढ़त रहा, और हमको हमको शर्म आवत रही। बता क्या हो रहा था? सब बाद में हमारे छोटे साहब ने मेम साहब का मिठिया लिया, मिठिया लिया। मिठिया? हाँ, दो ही बार। हाँ, मिठिया क्या कह रहा है? नहीं समझे? नहीं। तुम्हारे बेटे ने उस लड़की को, उस लड़की की ये हिम्मत? उस लड़की का क्या दोष? चुमा तो तुम्हारे बेटे ने। सवाल ये नहीं, सवाल है वो चूमी क्यों, और सबसे बड़ा सवाल ये है तुमने उल्लू के बच्चे शीशे में से ये देखा क्यों? चलो इसी वक्त मुझे दफ्तर ले चल, मैं देखता हूँ दो ही बार मीठी। ए, जी, मालती चौधरी कौन है? मालती चौधरी। मालती चौधरी? ओ मालती। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन? आप कौन? मैं कुमार चटर्जी, इस कंपनी का चीफ अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट जी, मैं सदानंद चौधरी। सदानंद, सदानंद चौधरी यानी बॉस के बाबा। नमस्कार, कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं मालती चौधरी से मिलना चाहता हूँ। वो अपनी कैबिन में बैठी होगी, आइए। मालती? मुझे लगता है वो किसी काम से बाहर गई है। आप बैठिए, आप बैठिए, आइए बैठिए। आप भी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप पूछिए मत, मैं ही आपको बता दूंगा। सारे शहर को पूछे बगैर मैंने आपके बेटे के लव स्टोरी के बारे में बता दिया। ये सिलसिला कब से चल रहा है साहब? जब से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जब से चल रहा है। जिस लड़के ने मेरे अमित को फंसाया, क्या उसने पहले भी किसी के साथ ऐसी हरकत की थी? नहीं नहीं माता जी, आपको गलत फहमी हुई है, लड़की ऐसी नहीं है। वो तो मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन आपके बेटे अमित ने मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड ट्रांसफर करने की धमकी देकर अंडरहैंड से ये बाजी मार ली। ब्रावो ब्रावो, काला पानी तो मैं मालती चौधरी को दूंगा। जी चैटर्जी, आपको जानकर खुशी होगी, कभी कभी औरतों की जमकर पिटाई करने को मैं बुरा नहीं समझता, ठीक है ना? दस इन मामलों में लड़कों की गलती होती है, उन्हीं की पिटाई होनी चाहिए। आपने सही फरमाया माता जी, एक्चुअली पिटाई तो बॉस की होनी चाहिए। मालती चौधरी का केस तो मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, मालती से कह दीजिएगा वो अगर अपनी बदमाशी से बाज न आई तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। आखिर तू उस तराजू से क्या तोल रहा है? वक्त की नजाकत को तोल रहा हूं दीदी। तू मेरी बात तो सुन, आज मेरी सासू ससुर जी ऑफिस गए थे, जो कुछ मैंने सुना उससे मुझे लगता है कि वो अपनी बहू के लिए तड़प रहे हैं। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। श्रीकांत, तू ही मुझे बता, आखिर उन बेकसूरों को सजा देने से क्या फायदा? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं दीदी, बट आई डोंट एग्री विद यू। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप जीजाजी की प्राइवेट सेक्रेटरी ना भी होती तो फिर कोई और होती, और फिर वो जो भी होती उसके प्यार का पल्ला भारी होता। दीदी, आज ये पल्ला आपके लिए भारी है क्योंकि जीजाजी आपके पल्ले पड़ चुके हैं।
वरना अब तक तो किसी और ने उन्हें अपने पल्लू से बांध लिया होता। दीदी ये खेल अभी चलने दीजिए, अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत रातें बाकी है और बहुत बातें बाकी है। अरे रामू जी, ड्राइवर आया कि नहीं? जी साहब, लेकिन बड़े साहब गाड़ी लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? निर्मल गांव। चंदनपुर? हाँ निर्मल गांव। तुम भी दफ्तर से छुट्टी ले लो और हमारे साथ चलो। तो क्यों? बहू को विदा कराने। लेकिन ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? अचानक नहीं, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, उसके बाद ये प्रोग्राम बना। तो ठीक है, आप लोग अपने प्रोग्राम में जाइए, मुझे ऑफिस जाना है। वो हिसाब किताब सालाना चेकिंग है ना? हाँ, तुम्हारी हिसाब किताब की चेकिंग मैं कल ही कराया हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, काफी डिफिसिट चल रहा है, इसे ठीक करो वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते हो तो हम ही चलते हैं सीधे तुम्हारे हेड ऑफिस। चलो जी। जब देखो बहू 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 बहू। मालती ये क्या? छोड़ो ना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ अभी इस वक्त फौरन। आज ही? लेकिन मुझे मेरी मम्मी डैडी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ले लो ना, मुझे उनसे मिलवा दो ना। मैं पता नहीं सब गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़? हाँ गड़बड़, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी मोर। क्या तुम अपनी मम्मी डैडी का आशीर्वाद नहीं लोगे? मेरे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी का आशीर्वाद चलेगा। बोलो ना कब मिलाती हो उनसे? मम्मी डैडी? मम्मी डैडी को तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा? मेरा मतलब वो शॉपिंग वॉपिंग पे गए होंगे। हाँ, मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा तो मैं आज शाम को 6 बजे उनसे मिलने आता हूँ। सो लॉन्ग माय लव। आपने क्या रात ऑफिस में बिताई? ये लुंगी और ये कुर्ता सर,